अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स बाय MHK। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। जी दोस्तों, जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ ChatGPT के बारे में कि कैसे हम इस पर साइन अप कर सकते हैं, कैसे इससे ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ChatGPT इस साल की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज ऐजाद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे और इस टूल से क्या क्या लिखवा सकते हैं और आप लोग कैसे इस टूल को यूज़ करके इजीली ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप ब्लॉगर हैं, प्रोग्रामर हैं या यूट्यूबर हैं, किस तरह आप इस टूल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ChatGPT पर हमने साइन अप करना है, सो यहाँ मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसने डायरेक्ट लॉगिन कर दिया है। अब देखें, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें। यहाँ हमने कुछ लिखना है और उसने हमें पूरे जवाब खुद ब खुद देते जाना है और सब कुछ बताते जाना है। आप इससे बेशक मैथ के सवाल पूछें, आप जो आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, कोई भी बात आप इससे पूछते हैं, किसी भी तरह आप इससे हेल्प लेना चाहते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। और आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है। तो अब यूनिक सा इससे सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, Who is the founder of Pakistan? अब यहाँ पर मुझे ये बताएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह ये मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। The founder of Pakistan was the Muhammad Ali Jinnah. He was a lawyer, politician and leader. ये मुझे बता रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर थे और इन्हीं के बारे में और भी डिटेल्स बता रहा है, इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी। इसी तरह अगर आप मैथ का कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। आपने सिर्फ इस टूल को यूज़ करना सीखना है। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी को ये टूल बहुत ही आसान कर देगा। अब मैं मैथ का सवाल लिखती हूँ, 19 + 20 इज़ इक्वल कितना होता है। अब ये मुझे इसका आंसर देगा। ये देखें, ये बता रहा है कि 19 + 20 इज़ इक्वल 39। इन मैथमेटिक्स द प्लस साइन इज़ यूज टू, इसकी सारी डिटेल दे दी। अब यहाँ देखें, एंड में लिखा है कि आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, डू यू नो उर्दू, क्या आप उर्दू जानते हैं। वो कह रहा है, येस आई नो उर्दू, और उसके अलावा उर्दू से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। साउथ एशिया में इसने कहा है कि बोली जाती है और पाकिस्तान और इसकी सारी डिटेल्स, ठीक है जी, ये बताता है। अब आते हैं हम अपने काम की तरफ। फ़र्ज़ करें, अब आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए और आप पैसा कमाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ज़रिए। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। अब यहाँ पर मैं टॉपिक लिखूँगी जी इन्वर्टेड कॉमास में,
मैं लिखती हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। मैंने यहाँ लिखा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अब इस पे ये आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा। ये देखें, हेयर इज़ एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक। अब ये देखते हैं जी हमें कितने तरीके बताता है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। ये नंबर वन फ्रीलांसिंग, नंबर टू पे इसने हमें बताया है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। इसी तरह नंबर थ्री पे सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आ गया है कि ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल करें। नंबर फोर पे ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और नंबर फाइव पे ब्लॉगिंग। कितना कमाल का टूल है, आप देखते जाएं। और इसी तरह इसने लिखा है जी ये तरीके, आप इनको फॉलो करके पैसे कमा सकते हैं। ये देखें, इसने इतना खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिख कर दिया है। अब हम इसे कोई YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं या कोई वीडियो स्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर YouTube वीडियो। मैं इसे YouTube वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवाती हूँ। अब ये हम इससे कह रहे हैं कि हमें YouTube वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। अब इसे इंटर करते हैं तो देखते हैं कि क्या बताता है हमें हाउ टू मेक मनी फ्रॉम YouTube के टॉपिक पे। अब ये हमारे चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखेगा हाउ टू मेक मनी फ्रॉम YouTube के टॉपिक पे। अब चेक करें कि कितना कमाल का ये टूल है, जिस तरह मर्ज़ी आप इससे क्वेश्चन करें ये आपको जवाब देता है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है। लें जी, उसने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। देखें कैसे कमाल की लिखी है इसने, आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं, 100% ये यूनिक है। तो अब मैं इससे कोई वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाती हूँ। YouTube का वीडियो स्क्रिप्ट भी मुश्किल होता है। यहाँ मैं इससे वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाती हूँ। अब मैं इससे iPhone 14 के लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाती हूँ कि मुझे iPhone 14 के ऊपर YouTube की वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख कर दो, तो ये बड़ा कमाल लिख कर देगा। ये देखें, सबसे पहले इसने इंट्रो लिखा है, इसके बाद ये हमें आईफोन के फीचर्स के बारे में बताएगा। ये देखें, यहाँ आईफोन के फीचर्स आ गए सारे, जो कि हमें भी नहीं पता होता, और यहाँ पर ये सारा कुछ हमें बता रहा है। इसी तरह ये लिखता जा रहा है, कमाल का स्क्रिप्ट लिख रहा है। अगर हम खुद भी देखें तो हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो ये काम कर देगा। इसके ये डिज़ाइन के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर ये कर्सर हिल रहा है, अब इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी लिख रहा है। अब ये आउट्रो हो गया, तो ये स्क्रिप्ट हो गया है। देखें कितना कमाल का स्क्रिप्ट हमें इसने लिख कर दिया है। इसी तरह आप इसे YouTube चैनल के टॉपिक, चैनल के नाम कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ से YouTube चैनल के नाम देखती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ सजेस्ट मी सम गुड YouTube चैनल नेम। मैंने इससे मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड चैनल के नाम सजेस्ट करने के लिए कहा है। अब देखते हैं कि ये हमें कितने नाम सजेस्ट करता है। लें जी,
ऑनलाइन इनकम एकेडमी और इसी तरह के बहुत ही ज़बरदस्त नाम मुझे ये सजेस्ट कर रहा है। ऐसे नाम के कभी हमारे माइंड में भी आने ही नहीं थे। ये देखें, 10 नाम उसने मुझे लिख कर दे दिए हैं मेरे टॉपिक के हवाले से। जी दोस्तों, तो देखें कितनी आसानी से कुछ ही सेकंड्स में काम करता है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि किस तरह आप इससे फ़ायदा उठाएं और बड़े बड़े कामों को कुछ ही मिनटों में करके दिखाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर यूज़फुल लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।